तो राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो जहरीली हवा बह रही है वो लोगों के हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे बड़ा संकट तो सांसों का है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खतरनाक स्तर तक पहुंचे AQI की वजह से श्वास नली के सुकड़ने के ऐसे कई मामले सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदूषण ने बढ़ाया सांसों का संकट, जहरीली हवा कर रही घातक प्रहार, दम घोटू हवा में सिकुड़ रहा सांस की नली का मुंह। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारी के पहुंच रहे हैं। जहरीली हवा का अटैक सीधा सांस की नली और फेफड़ों पर हो रहा है, जिससे पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन की बढ़ती मार के बीच दिल्ली एम्स ने चौंकाने वाला दावा किया है। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषित हवा की वजह से लोगों की सांस की नली का मुंह छोटा हो रहा है। दिल्ली एम्स ने भारी और जानलेवा रसायनों से भरी इस हवा का पहली बार लाइव डेमो दिखाया। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर श्रेणी की AQI में सांस लेने पर PM2.5 के कण सबसे पहले श्वास नली के आसपास चिपकते हैं, फिर धीरे धीरे ये कण नली के छेद को निशाना बनाते हैं और उसे छोटा करना शुरू कर देते हैं। नली का छेद छोटा होने से सांस लेने में परेशानियां होने लगती हैं। सांस नली का मुंह सिकुड़ने की वजह से फेफड़ों को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फेफड़ों की कार्य प्रणाली कमजोर होने लगती है। हैवी मेटल्स होते हैं, कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, इस तरह के बहुत सारे लेड पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सब का असर रेस्पिरेटरी लाइनिंग पे, आपकी सांस की नलियों पर, फेफड़ों पर, लंग्स की इनर लाइनिंग में पड़ता है। और ये जब मटेरियल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट तक पहुंच जाते हैं, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में जा सकते हैं, तो इसलिए हार्ट अटैक, किडनी डैमेज भी कर देते हैं। और अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो इन सब का तो आपको कैंसर भी हो सकता है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AQI के गंभीर स्तर की वजह से 3 से 4 हफ्ते में ही सांस नली प्रभावित हो सकती है। ये समय के साथ साथ काला दमा यानी COPD नाम की बीमारी का स्वरूप भी ले सकती है, यानी जहरीली हवा जानलेवा भी साबित हो सकती है। खतरनाक स्तर तक पहुँचा प्रदूषण हमें डरा रहा है। जहरीली हवा में सांस लेने से सांस की नलियां सिकुड़ रही हैं। अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ब्रोंकाइटिस के केस भी बढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए तो हालात बेहद चुनौती वाले हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर प्रदूषण की ऐसी स्थिति लंबे वक्त तक रही तो बच्चों के फेफड़े भी विकसित नहीं हो पाएंगे। एयर पोल्यूशन से तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इफेक्टेड, सब पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हो सकता है। और अगर हम लंग को विशेष तौर से देखें तो लंग सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो डायरेक्टली लंग में डिपॉजिट होते हैं, तो लंग पे इफेक्ट पड़ता ही है, बट हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये सब शोध हो चुके हैं। प्रदूषण की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की आशंका बढ़ जाती है जो पहले से दिल के मरीज हैं या फिर जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। हवा में घुला जहर हर तरह से मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसे में हर किसी को सेहत का ध्यान रखने के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण का असर कम करने के लिए हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। घर का बना खाना ही खाएं। खाने में फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। डाइट में विटामिन A, C और E को शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। योग और मेडिटेशन करने से भी फायदा होता है। प्रदूषण की मार से बचने के लिए सावधानी बरतना ही इकलौता विकल्प है, इसलिए वक्त रहते सावधानियां बरतें ताकि आपकी सेहत सलामत रहे। News Nation अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए News Nation के इस QR कोड को स्कैन करें।